नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आज आपको बताने वाले हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही नसीहत दिया है। बीजेपी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं उनको नसीहत दिया है। अब क्या ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पहले मीटिंग की और मीटिंग के दौरान जितने भी कार्यकर्ता और नेता थे उन तमाम लोगों को समझाया है कि आप जो लापरवाही दिखाते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है उससे जो आप गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं, ऐसे में आप मध्य प्रदेश की आवाम से, वहाँ के लोगों से कैसे रूबरू होंगे, इसको लेकर जो है नसीहत दी है शिवराज सिंह चौहान ने। अब देखना होगा कि आखिर जो भी नेता कार्यकर्ता भाजपा के इस तरह से जो लापरवाही दिखा रहे हैं, गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं वहाँ के लोगों से, जिसे वादे किए गए थे, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का इस टाइम पे नसीहत देना इस बात को साफ जाहिर करता है कि आखिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोगों की जिम्मेदारियों को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके कामों को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि CM शिवराज सिंह चौहान ने जो है फटकार लगाई है, नसीहत दिया है कि घर घर जाकर लोगों से बातचीत करें, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ वहां तक पहुँचाएं, उसके बारे में उसको बताएं। और अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो नसीहत दी है इससे अब भाजपा के नेता क्या सीखते हैं, उनके लीडर्स क्या सीखते हैं, उनके कार्यकर्ता क्या सीखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव में इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को फायदा मिल सके। अब देखना होगा होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 News। नमस्कार।